हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जेएम। पीयूष चावला का बयान, वर्ल्ड कप के लिए हो गया टीम इंडिया का ऐलान, यहाँ पर हो गए श्रेयस अय्यर बाहर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली है। जो इंडिया में इस साल होने वाला है 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, वहां पर श्रेयस अय्यर बाहर है, अक्षर पटेल बाहर है। तो सारी की सारी टीम आपको बताएंगे, एक एक करके समझाएंगे कौन सी टीम है, किस खिलाड़ियों को मौका मिला है, किसे बाहर रखा गया है और किसने बनाई है ये टीम। तो जो कुछ भी है सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में बताएंगे। तो उससे पहले भाइयों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब बात करते हैं क्या है टीम और किसने बनाई है। तो ये टीम पीयूष चावला ने बनाई है वर्ल्ड कप 2023 के लिए। जो उनके 15 संभावित खिलाड़ी हैं वो उन्होंने बताया कि कौन से 15 होंगे जो वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो उन्होंने अक्षर पटेल को बाहर कर दिया है, श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया है, संजू सैमसन को बाहर कर दिया है। जी हाँ, तो अब एक एक करके बताते हैं क्या टीम चुनी। सबसे पहले उन्होंने रोहित शर्मा कप्तान रखा है, शुभमन गिल रखे उन्होंने, उसके बाद 3 नंबर विराट कोहली रखे हैं, उन्होंने यहाँ पर तिलक वर्मा को मौका दिया है, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को मौका दिया है, उसके बाद यहाँ पर हार्दिक पांड्या होंगे, और उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर केएल राहुल होंगे, यहाँ पर ईशान किशन होंगे, फिर आगे यहाँ पर कुलदीप यादव होंगे, यहाँ पर यूजी चहल होंगे, यहाँ पर मोहम्मद शमी होंगे, यहाँ पर शार्दुल ठाकुर होंगे, यहाँ पर मोहम्मद सिराज होंगे और ये गेंदबाज होंगे। लेकिन जो नहीं है यहाँ पर उनमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर संजू सैमसन को मौका नहीं दिया है, बाहर कर दिया है इन्होंने, अक्षर पटेल को बाहर कर दिया है, श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया है। अब मुझे समझ नहीं आता कि श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल क्यों बाहर है, क्योंकि ये दो खिलाड़ी तो खेलने बनते ही है इस टीम में और वो लगातार खेल भी रहे हैं और शायद मुझे लगता है वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे भी। लेकिन ये अपनी उनकी चॉइस हो सकती है पीयूष चावला की कि उन्होंने इन दो खिलाड़ियों को बाहर रखा और तिलक वर्मा को प्रेफरेंस दी और सूर्य कुमार यादव को प्रेफरेंस दी है ओडीआई क्रिकेट में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल से आगे। क्योंकि अगर हम आंकड़े देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव के हम सभी को पता है कि ओडीआई क्रिकेट में बहुत ज्यादा खास नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सूर्य कुमार यादव को रखा है श्रेयस अय्यर के ऊपर। अभी अपने आप में एक चौंकाने वाला फैसला है, हालांकि थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इस वजह से देख सकते हैं कि क्या फिटनेस कंसर्न है, लेकिन अगर फिटनेस कंसर्न है तो आप लोकेश राहुल क्यों रख रहे हैं, केएल राहुल को उन्होंने रखा है, लेकिन वो उनकी फिटनेस तो श्रेयस अय्यर से भी खराब मानी जा रही है कि माना यार वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। अभी सस्पेंस बना हुआ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो एशिया कप का पहला मैच है, जबकि श्रेयस अय्यर को माना जा रहा है कि वो पूरी तरीके से फिट है। तो अगर आपको बाहर करना था तो दोनों को करते, लेकिन आपने वहां पर एक को बाहर किया है तो मेरी समझ से परे। आप बताइए आपको क्या लगता है कि आप पीयूष चावला ने जो टीम बनाई है उससे सहमत हैं या फिर नहीं? क्या आपको भी लगता है श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और संजू सैमसन वर्ल्ड कप टीम में नहीं होने चाहिए, या आपको लगता है इनमें से कुछ खिलाड़ी होने चाहिए या फिर तीनों होने चाहिए? जो भी आपको लगता है जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगी आपकी टीम वर्ल्ड कप 2023 के लिए।